दोस्तों, अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को नजर लग जाए, वो रो ही रो रहा है, वो मान ही नहीं रहा, यानी कि आपके घर में कोई इंसान आया था उसको हंसते हुए देखते हुए खेलते हुए, और कई बार तो क्या हो जाता है जब हम फोटोज भी डालते हैं, क्योंकि आप बच्चों के बहुत सारे रील डालते हैं, उससे भी आपके बच्चे को नजर लग सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आज तो कोई घर में आया भी नहीं, फोटो से नजर कैसे लग सकती है। तो ये पॉसिबल है, ऐसे नजर लग जाती है छोटे बच्चों के मामले में। आप बड़े हैं, आपको नजर नहीं लग सकती। नजर लगना बड़ी ही आम बात है आज की दुनिया में, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से जलता है। आप जितने खुश होगे शाम तक लोग कोशिश करेंगे कि आप उतने ही उदास हो जाएं, आपके साथ उतना ही बुरा हो जाए। लेकिन क्या इस डर से हम खुश रहना छोड़ दें? क्या इस डर से हम अपने सपनों को जीना छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टोटके बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे आपको रामबाण इलाज बताने वाला हूँ नज़र के। अगर आपको नज़र लगती है तो आप इनमें से एक भी कर लीजिए, आपके घर से आपसे नज़र कोसों दूर हो जाएगी। और जो लोग ये नहीं मानते कि नज़र नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ आपको भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जब आपकी दादी अम्मा थी या फिर आपके घर के बड़े किस तरीके से नजर उतारते हैं। और ये रही आपके लिए कुछ ऐसी बारीकियां नजर उतारने की जिनके चलते आप नजर नहीं लगने देंगे, ना खुद को ना अपने परिवार में किसी दूसरे सदस्य को। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को नजर लग जाए, वो रो ही रो रहा है, वो मान ही नहीं रहा, यानी कि आपके घर में कोई इंसान आया था उसको हंसते हुए देखते हुए खेलते हुए, और कई बार तो क्या हो जाता है जब हम फोटोज भी डालते हैं, क्योंकि आप बच्चों के बहुत सारे रील डालते हैं, उससे भी आपके बच्चे को नजर लग सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आज तो कोई घर में आया भी नहीं, फोटो से नजर कैसे लग सकती है। तो ये पॉसिबल है, ऐसे नजर लग जाती है छोटे बच्चों के मामले में। आप बड़े हैं, आपको नजर नहीं लग सकती। तो आपको क्या करना है? आपको लेने हैं 7 बे लीव्स, और आपको वो सातों सात जो बे लीव्स हैं उनको एंटी क्लॉक वाइज अपने ऊपर, अगर आपको नजर लग गई है या आपके घर के में जो भी जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर, वो 7 बे लीव्स एंटी क्लॉक वाइज घुमाने हैं, और उन सातों को एक साथ आप अपने घर के बाहर ले जाकर जला दें, और उसके बाद आपके घर से कोसों दूर हो जाएगी बुरी नज़र। दोस्तों, दूसरी चीज़ इससे भी ज़्यादा सख्त तरीका, देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आपकी मम्मी है कई बार मिर्चियाँ जला रही हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अगर आपके घर में नज़र लग गई है, आपके आपके परिवार के घर में किसी भी सदस्य को, तो ये तरीका बहुत बार अपनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें हरी मिर्च ले लेते हैं या लाल मिर्च ले लेते हैं, लेकिन सूखी नहीं, बिल्कुल ताज़ा। तो ताज़ा मिर्च के साथ, हरी मिर्च के साथ ये टोटका नहीं किया जाता। तो मैं आपको बता दूं, आपको 7 सूखी लाल मिर्चें चाहिए और आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमानी है। घर पे है तो घर के मुख्य दरवाजे के सामने घुमा सकते हैं, या किसी परिवार में सदस्य के ऊपर है वो नज़र, तो आप उसके ऊपर से घुमाएं और घर के बाहर ले जाकर उसको जला दें, आपके घर से नज़र कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादातर नज़र लगती ही रहती है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नज़र आपको पकड़ लेती है, ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी नज़र लगती रहती है, तो मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही रामबाण इलाज। आपको रोज़ाना ये काम करना है, आपको एक गिलास लेना है, पानी भरना है, और उसमें आप रोज़ाना अपने जब जहाँ सो रहे हैं उस पर एक नींबू काट कर पानी के अंदर डाल लीजिए और उसको अपने सिरहाने रख लीजिए, आपको नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों, बात करते हैं नज़र उतारने के आखिरी तरीके की। आपके घर पर नज़र लगी है, आपको नज़र लगी है, और चाहे कितनी भी बुरी नज़र क्यों ना हो, दोस्तों कहा जाता है अगर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है तो वो हरे पेड़ को भी सुखा सकती है। अब आप देख लीजिए कैसी कैसी नज़र होती है दुनिया में। तो अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो ही नहीं रहे, आपके सारे बनते काम बिगड़ रहे हैं, बच्चे घर पर झगड़ रहे हैं, घर में एक लय है, आपसी संबंध बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो समझ लीजिए नकारात्मकता आपके घर में बिल्कुल घुस चुकी है। तो उसको निकालने के लिए एक रामबाण इलाज, आपको क्या करना है, आपको रॉक सॉल्ट लेना है, वैसा सफ़ेद नमक नहीं जो आप आमतौर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपको रॉक सॉल्ट लेना है, और आपको घर के बाहर वो लगा देना, यानी कि छिड़क देना, अपने घर के जो मुख्य बाउंड्री है, जो भी आपका मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पर छिड़क दें, और जिस भी इंसान को नज़र लगी है उसके ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज उस रॉक सॉल्ट को भी घुमाएं। उसके बाद किसी भी बहते हुए पानी में वो नमक, और जो घर के बाहर जो नमक डाला था वो नमक निकाल दें, आपके घर की नज़र ठीक हो जाएगी, आपकी नज़र ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके थे जो हमारी पुरानी किताबों में लिखे हैं, जो दादी अम्मा इस्तेमाल किया करती थी। आई होप आपको कभी नज़र लगेगी तो आप इनमें से किसी न किसी नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।